काफ़ी टाइम बाद मेरी बेटी घर जा रही है, भगवान की दया से अभी ठीक है बिल्कुल। और इसको डॉक्टर डिस्चार्ज दे दिया है, ये डॉक्टर से निकलवा नहीं रही थी, धड़कन वगैरह चेक करने के लिए होते तो ये डॉक्टर से निकलवा नहीं रही थी, तो डॉक्टर ने बोला धीरे धीरे करके आप खेल खेल में आप ही निकाल दो इसको। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी इसको, डॉक्टर के तो ये हाथ लगाने से ही डर रही थी, इनको लग रहा था कि मतलब इसको लग रहा था कि सुई वगैरह ना लगा दे, इंजेक्शन वगैरह ना दे दे, तो इतना डरी हुई थी डॉक्टर वगैरह से, तो ये बहुत डरती थी कि भाई कोई इंजेक्शन ना लगा दे, क्योंकि इसको क्या करते थे मतलब ऐसे ही करते थे, प्यार करते थे और ऐसे करके इसको इंजेक्शन वगैरह लगा देते थे। तो अभी ये एक में इसको दर्द हुआ थोड़ा सा, ये चिपके हुए थे बिल्कुल इसको, तो थोड़ा सा दर्द हुआ, फाइनली निकल गए थे। और डॉक्टर से निकलवाती तो और ज़्यादा रोती, ये बहुत ही ज़्यादा रोती, फिर तो इसको और ज़्यादा दिक्कतें होती, और मतलब इतना प्रॉब्लम निकालने में नहीं होती जितना इसको डर लगता। तो यहाँ पे मैं इसके कर रही थी घर के कपड़े चेंज, क्योंकि आज इसको जाना है घर, और इतना खुश थी ना घर जाने के नाम से ही बहुत खुश थी ये कि आज मैं घर जा रही हूँ। तो बार बार पूछ रही थी पापा मतलब मजाक तो नहीं कर रहे ना, मैं घर जा रही हूँ ना, मतलब डेली हम इसको बोलते थे कि हाँ घर लेके चलेंगे घर लेके चलेंगे, लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था इसका, मतलब छुट्टी नहीं मिली थी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसकी वजह से आज फाइनली डिस्चार्ज मिल गया है। तो आज इतना खुश है, बहुत खुश है ये। कोई भी हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बच्चा का हॉस्पिटल में तो परेशान हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं इसके बना रही हूँ बाल, बना रही हूँ गले वगैरह में, इसको अभी भी थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह है, लेकिन टॉन्सिल्स वगैरह की तो अभी दिक्कत है इसको गले में, और फीवर भी कल भी इसको था, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला है कि अभी आप इसको डेली चेकअप के लिए लेके आ जाना अभी, पर वैसे हम इसका डिस्चार्ज कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे इसको ले गए थे डॉक्टर, तो डॉक्टर उठा करके ले गए थे, लड्डू के साथ खेलते रहते थे, ये भी खेलती रहती थी, और इसकी कैनूला भी निकालनी थी, तो इस वजह से लेकर के गए, लेकिन नहीं ये निकलवा ही नहीं रही थी, वहाँ पर भी रो ही रही थी ये, पूरे डॉक्टरों के साथ ऐसे ही खेलती रहती थी, घूमती रहती थी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आराम पड़ता था जैसे ही, तो यहाँ पे खेलती रहती थी, घूमती रहती थी, तो डॉक्टर से मिलने के लिए गई है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉक्टर को इसने काट लिया था, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाना था जिसको लास्ट एक, तो वो लगा रहे थे, तो उन्होंने सोचा था यहाँ खेलते खेलते हम लोग लगा देते हैं, लेकिन इसने उनको काट लिया, तो मतलब फिर पकड़ के ही इसको लगाना पड़ा। यहाँ पे कर रही है अनिका पापा का वेट अपने, क्योंकि डिस्चार्ज फाइल चली गई है नीचे, तो पेमेंट वगैरह करने के लिए गए थे, तो बोल रही है बार बार कि मम्मी आए क्यों नहीं पापा अभी तक, तो वेट कर रही है। तो मैं इसको यहीं से हमेशा से दिखाती थी, जब से आई है तब से यहीं से दिखाती थी कि पापा यहीं से आ रहे हैं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे थे फोटो क्लिक, मैं इसको ऐसे मस्ती मजाक में लगा के रख रही थी ताकि ये थोड़ी देर शांत रहे, क्योंकि डिस्चार्ज में भी टाइम लगता है। फाइनली डिस्चार्ज हो गया था, पेमेंट वगैरह सब हो गई थी, यहाँ पे डॉक्टर ले रहे थे अनिका के साथ फोटो, और इसके साथ मतलब बहुत टाइम स्पेंड कर, डॉक्टरों ने मतलब बहुत इसको प्यार से रखा, और इनका भी मन नहीं लग रहा था मतलब कि भाई अनिका आप जा रहे हो तो हमारा मन भी नहीं लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं आप कभी भी हॉस्पिटल कभी ना आओ, ऐसा ही हम लोग चाहते हैं, लेकिन आपसे मिलने का मन करेगा तो हम आपको फ़ोन पर बात करेंगे। तो यहाँ पे अनिका घर आ गई थी, और घर घर पे आके नविका ने इसके लिए खूब सारे गिफ्ट रख रखे थे, ये देखो ढूंढ रही है, तो नविका ने कर रखा था कि छुपा रखे थे गिफ्ट को खूब सारे, तो वही ढूंढ रही थी ये, तो यहाँ पे खूब सारे गिफ्ट मिले हैं नविका को, नविका ने दिए हैं अनिका को। हॉस्पिटल में भी ये बहुत सारी चीज़ें इसके साथ लिए भिजवाती रहती थी जो इसको पसंद थी, हेयर पिन वगैरह और लिपस्टिक, ये लिप बाम लेके आई है, इसको बहुत अच्छा लगती है लिपस्टिक वगैरह लगाना, बहुत शौक है इसको लिपस्टिक वगैरह का, तो ये लगा रही घर पे है। चाहे कितना भी लड़ती रहे दोनों की दोनों, चाहे कितना भी लड़ लें, लेकिन दोनों का एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और नविका भी यहाँ से इतना मतलब वो रहती थी कि भगवान जल्दी मेरी बहन को ठीक कर दे, जल्दी आ जाए, यहाँ से गिफ्ट भिजवाती रहती थी इसको कि ताकि वो खुश रहे, और उसके साथ वीडियो कॉल पे वगैरह पे बात भी करती रहती थी। और अनिका का भी मन नहीं लग रहा था कि मुझे दीदी के पास जाना है, घर जाना है, तो मतलब ये सब चलता ही रहता है बहनों में तो, और वैसे घर पे रहती है तो इतना झगड़ा करती है दोनों एक दूसरे से, बहुत सारी ऐसे किसी किसी छोटे छोटे बातों पे लड़ती रहती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से इतना प्यार करती है। बस अब इसको डेली दिखाने के लिए लेके जाना है, 2-3 दिन तो इसको डेली लेके जाना है, बाकी इसको अभी वीक में इसकी दवाइयाँ चलेंगी, अभी टॉन्सिल्स वगैरह की और फीवर वगैरह था इसको और इन्फेक्शन वगैरह की दवाइयाँ चलेंगी, बाकी सब ठीक है अभी, आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।